नगर परिषद हवेली खड़गपुर के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के द्वारा अगले दो महीने के लिए 6 वार्ड पार्षदों को बैठक से निलंबन कर दिया गया था। वार्ड पार्षद के निलंबन के बाद पार्षदों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर के अंबेडकर चौक के समीप आक्रोशित वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। विशेष रूप से 2023 और 24 का बजट का मांग किया था हमारे वार्ड पार्षदों ने और उन्हें जायज मांग पे उस लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इनको कुछ ना देना था, इसलिए हम लोगों ने आज इनका फैसला ग्रहण किया कि जो 6 वार्ड पार्षद को निलंबित किया गया है उनको जल्द से जल्द वापस ले। मैं एक दिवस से धरना होगा, उसके बाद अनशन हमारी जारी रहेगी और पूरे अस्पताल को बंद किया जाएगा। दीपक यादव ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार ही बढ़ गया है। बैठक में भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने वाले पार्षदों का आवाज बंद करना चाहते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं उप मुख्य पार्षद दीपक यादव ने कहा कि चरणबद्ध आंदोलन आरंभ कर दी गई है। अपना मुंगेर के लिए नंदन यादव की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर यूट्यूब चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।